जय जिनेन। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि जैन चुनगी। जैसा कि आपको पता है, ललितपुर में आचार्य श्री विनिश्चल सागर जी जैन संत, जिन्होंने जैन अटा मंदिर जी में जैन पंचायत सकल जैन समाज के अनुरोध से पावन वर्षायोग किया था, उनके अंतर्गत अनेक धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम चले। उसी क्रम में परम्परागत जैन पंचायत के द्वारा होने वाला वार्षिक विमान महोत्सव उनके ही सानिध्य में हुआ, लेकिन इस बार का विमान महोत्सव अद्भुत और अद्वितीय बना, क्योंकि इसमें सकल जैन समाज के दान से, सहयोग से और आचार्य श्री विद्यासागर महाराज के आशीर्वाद, उनके शिष्य मुनि श्री अभय सागर, प्रभात सागर, पूज्य सागर जी के सानिध्य वर्षायोग में जो चांदी इकट्ठी हुई, उनकी प्रेरणा से उस चांदी इकट्ठी होने के उपरांत आज 180 किलो वजन से भी अधिक रजत विषव रथ बना, और आज वह रथ ललितपुर की इस विमान उत्सव शोभा यात्रा का आकर्षण केंद्र बना। आप देख सकते हैं, इस शोभा यात्रा में सब प्रथम हमारे अहिंसा परमो धर्मा के एक बैनर के तहत बच्चे हाथों में लिए चल रहे हैं, तो वहीं पीछे हमारी नन्ही मुन्नी बालिकाएँ एक गड़वेश के माध्यम से गरबा खेल रही हैं, तो वहीं आप देख सकते हैं कि आचार्य भगवंतों के, तीर्थंकरों के चित्र अनवरत शोभायमान है, झांकियों के रूप में चल रहे हैं। तो वहीं सदा सिंधु एवं अन्य महिला समिति संभाग की माताएं, बहनें, महिलाएं भक्ति नृत्य कर रही हैं, उत्साह मना रही हैं, महोत्सव के जुड़ी हैं, और इस आयोजन में आचार्य विनिश्चल सागर जी का आशीर्वाद प्रेरणा पाकर हमारे लोकप्रिय जिलाधिकारी योगेश कुमार जी शुक्ला, पुलिस अधीक्षक कैप्टन MM बेग, जिन्होंने जैन पंचायत के आग्रह को स्वीकार करते हुए इस महोत्सव की गरिमा में उपस्थिति दी, और अब उन्होंने अपने विचारों में महावीर की अहिंसा, भगवान जिनेन्द्र देव की अहिंसा को बल दिया। उन्होंने कहा, जियो और जीने दो सबसे मुख्य संदेश है, सूत्र है, और इस सूत्र को लेकर जो मानव चलता है वह प्रगति करता है, और उन्होंने गुरुओं की वाणी, आचार्यों की वाणी के प्रति विश्वास जताने की बात कही। तो मैं आपको बता दूं कि ललितपुर लाइव TV हमेशा धार्मिक यात्रा, धार्मिक आयोजन के अंतर्गत आपको जोड़े रहती है। उसी क्रम में आज इस महोत्सव की यात्रा के अंतर्गत आज जैन पंचायत समिति ने, सकल जैन समाज ने बढ़ चढ़कर आज इस आयोजन में सफ़ेद धवल वस्त्र पहनकर पुरुष वर्ग और प्रीत वस्त्र और केसरीय वस्त्र पहनकर महिलाएं इसमें नंगे पैर इस आयोजन में चल रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि वीर व्यायामशाला और अनेक सेवा दलों के माध्यम से अखाड़ों का प्रदर्शन, सत्य प्रदर्शन हो रहा है। तो इस आयोजन में इस भगवान की अगवानी मंगल आरती उतारने के लिए श्रद्धालु जो चल रहे हैं पैदल पैदल, उनकी सेवा करने के लिए श्रद्धालु अनवरत सेवा कर रहे हैं, कोई जल सेवा कर रहा है, तो कोई आरती उतारकर भगवान जिनेन्द्र देव की भक्ति कर रहा है, लेकिन अन्यथा सभी लोग सेवाभावी संगठन के माध्यम से जुड़े हैं। मैं आपको बता दूं, ये वो स्थान है क्षेत्रपाल मंदिर जी का, जहां पर श्री जी आएंगे विमान के माध्यम से, रथ के माध्यम से श्रद्धालु उसको लेकर आ रहे हैं, और थोड़ी देर में यहाँ पर आचार्य विनिश्चल सागर जी के सानिध्य में अभिषेक का पूजन होगी, और अष्टद्रव से भगवान श्री जी का पूजन उपरांत, अभिषेक होने के उपरांत आचार्य श्री के प्रवचन चलेंगे। आप देख सकते हैं कि इंतजार में माताएं, बहनें, श्रद्धालु इतनी संख्या में बैठे हुए हैं कि आप देख सकते हैं कि अभी सभी लोग अभी कम हैं, जैसे ही श्री जी विमान यात्रा के साथ आएंगे ये संख्या बढ़ जाएगी, और बढ़कर श्रद्धालु अपने आप ऑटोमेटिक इस व्यवस्था को देखेंगे। मैं आपको एक और बात बता दूं कि इस महोत्सव की सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस आयोजन में जुड़ने के लिए लोगों ने अपने आप को विगत कई दिनों से तैयार रखा था, क्योंकि पूर्व घोषणा हो चुकी थी इस आयोजन की। और जो चांदी का रथ है, रजत रथ है, इसकी विशेषता है कि इसमें सभी का सहयोग मिला है, और स्वधर्मेंद्र का सौभाग्य भगवान जी को लेकर, इस श्री जी को लेकर इस रथ में विराजमान करने का जो सौभाग्य मिला है, ललितपुर के साधर्मी परिवार श्री सोमचंद जी, संजीव कुमार, राजीव कुमार परिवार को मिला है। तो वहीं सारथी के रूप में जो हमारे अलंकार ज्वेलर्स हैं, उनके परिवार को, लालू सराफ परिवार को मिला है। इस तरह से सौभाग्य लेने वाले जो चवर ढुलाने वाले हैं, तो कहीं श्रेष्ठी वर्ग हैं लागौन परिवार, जो प्रबंधक अटा मंदिर हैं, लागौन परिवार को सौभाग्य मिला कपूरचंद जी को। इस तरह से श्रेष्ठी परिवारों के क्रम में अनेक लोग इस महोत्सव से जुड़े हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि ललितपुर लाइव TV के माध्यम से आपको इसी तरह की धार्मिक आयोजन सामाजिक झलकियों से साथ जोड़े रखेगा। बने रहिए ललितपुर लाइव TV से। मैं आपको बता दूं कि ललितपुर लाइव TV में ललितपुर लाइव TV के MD
मनोज जैन राजू का जो प्रयास है वह आज प्रशंसा का पात्र बना है। सभी लोग सम्मानित करते हैं, प्रशंसा करते हैं और अनेक आप जैसे दर्शक इस ललितपुर लाइव टीवी को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो संख्या बढ़ती है, हम लोगों का मनोबल बढ़ता है। ललितपुर लाइव टीवी से मनोज जैन के साथ रवि चुनगी की रिपोर्ट। हमारे साथ इस महोत्सव में रथ यात्रा में ब्रह्मी सुंदरी संभाग की अनुपमा जैन अपनी टीम के साथ हैं। उनका इस आयोजन में समिति के माध्यम से योगदान रहता है और आज के इस उत्सव में उन्होंने चार चांद लगा दिए हैं। अपनी टीम के साथ उन्होंने भक्ति नृत्य किया, प्रभावना की। हम उनसे ही जानना चाहते हैं कि उनके इस आयोजन में क्या योगदान रहते हैं, बताएं। जय जिनेन्द्र सभी को, मैं अनुपमा जैन ब्रह्मी सुंदरी संभाग से आपके सामने। हमारे आज संभाग की जो महिलाएं हैं उन्होंने पूरी विमानोत्सव में सहयोग किया है कि सब लोग साथ में रहें, एक साथ रहें, एक संगठन में रहें और सब लोग जितने भी संभाग इकाइयां हैं अपना अपना प्रेजेंटेशन दें। ये सारा सब कुछ आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज जी के आशीर्वाद और मुनि पुवन श्री सुधासागर महाराज जी के आशीर्वाद से हम सब एक ड्रेस में, एक साथ, एक संगठन में। जय जिनेन्द्र। जो उस विदुषी महिलाओं का शक्ति का प्रतीक है वह प्रतीकता के अंतर्गत आज का आयोजन, आज का समारोह आप देख सकते हैं। इन महिलाओं का गणवेश जो एक गणवेश में है, एक पंक्ति में है, अनुशासन में है और अनुशासन के तहत आज धर्म की प्रभावना में उनका योगदान ब्रह्मी सुंदरी संभाग के अंतर्गत चल रहा है और इसके अंतर्गत हमारी जो इस संगठन की कर्ता धर्ता हैं, संरक्षक हैं, चौधरी परिवार की सबसे बड़ी बहू और सबसे बड़ी मुख्य कर्ता इस आयोजन की हैं। हम उनसे ही जानेंगे आपने अपने संगठन को बढ़ाने में क्या योगदान दिया। हमारी एकता का परिचय है कि जो कुछ बहनें कुछ दिन पहले तक ड्रेस में नहीं थी, आज पूरी एक यूनिफॉर्म में एक छत के नीचे इकट्ठी हुई हैं और सब अपना अपना इस विमानोत्सव के अवसर पर प्रदर्शन कर रही हैं। जोर शोर से मन में लगाव है। आज हमारे यहाँ एक चांदी का रथ विमान भी तैयार हुआ है जिसको देखने को शहर की भीड़ भी उमड़ी हुई है और हम सब लोग यही कामना करते हैं कि मेरा देश भी इस तरह प्रगति की ओर बढ़ता रहे। आपकी भगवान की जय, जय महाराज की जय, जय आप देख सकते हैं जो उत्साह है, उमंग है, उल्लास है, वह है अपने गुरु के प्रति, अपने आराध्य के प्रति, देव सासगुरु के प्रति। उनका जो उल्लास उत्साह बना है, बना रहेगा। ललितपुर लाइव टीवी से आप जुड़े रहिए महोत्सव की और भी झलकियों के साथ। इन महिलाओं ने जो उत्साह दिखाया है वह उत्साह अनवरत बना रहेगा, इसके उम्मीद के साथ ललितपुर लाइव टीवी से आप बने रहिए, जुड़े रहिए। सिद्धि सागर समूह परिवार का जो योगदान मिलता है उसमें हमारे डॉक्टर हुकुमचंद जी पवैया, चाचा भूपेंद्र कुमार जी जैन अपने परिवार सहित हैं, उनका क्या योगदान इसमें मिलता है और कब तक से चला आ रहा है परंपरा? वही जो यहाँ पर पिछली वर्ष है, एक तो महावीर जयंती का कार्यक्रम यहाँ संपन्न होता है और हर वर्ष जो है यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमासी को विमान जी का वो होता है और यहाँ हमेशा शुरू से अभी तक हमेशा सब लोगों को बैठने की व्यवस्था, उनको जो है मतलब जलपान की व्यवस्था यहाँ पर की जाती है। इसी तरह डॉक्टर हुकुमचंद पवैया जी ने अपने विचार बताए तो मैं चाचा भूपेन जी जो एक सोशल वर्कर होने के साथ साथ एक अच्छे पत्रकार, लेखक, राइटर भी हैं, मैं उनसे ही बात करता हूँ। शुरुआत मेरे पूज्य पिताजी स्वर्गीय पंडित सिद्धि सागर जी ने लगभग 60 वर्ष पूर्व जब इस भवन का निर्माण हुआ था तभी से ये शुरुआत की थी कि जब भी वार्षिक विमान श्री अटा मंदिर जी से श्री क्षेत्रपाल जी की तरफ जाएगा तो बीच में विमान में चलने वालों के लिए उनके विश्राम के लिए एक विश्राम गृह निर्मित करना अस्थायी रूप से और उन्हें पेयजल की व्यवस्था, जलपान आदि की व्यवस्था करना। तो विगत लगभग 60 वर्षों से ये हम लोगों को एक चली आ रही है प्रक्रिया और मेरे पूज्य पिताजी के बाद मेरे परमादरणीय स्वर्गीय डॉक्टर बाहुबली कुमार जी जो बड़े भाई थे उन्होंने इस परंपरा को कायम रखा। 2002 में उनका निधन हो गया और उसके बाद मैंने सिद्धि परिवार के मुखिया के रूप में इस परंपरा को जारी रखा है। मेरी भाभी हैं, मेरी पत्नी हैं, मेरी बहू हैं, मेरा बेटा है और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले वर्षों वर्षों तक, युगों युगों तक सिद्धि परिवार द्वारा
ये सौभाग्य प्राप्त किया जाता रहेगा। जैसा कि आदरणीय चाचा जी और डॉक्टर पवैया जी ने संयुक्त रूप से अपने अपने विचार रखे बताया कि ये परंपरा है, परंपरा एक प्रभावना का प्रतीक होती है और ये प्रभावना अनवरत बनी रहे और ललित पब्लिक टीवी से आप भी बने रहें आगे की झलकियों के लिए। विमान महोत्सव में जो यात्री श्रद्धालु चल रहे हैं उनकी सेवा के लिए जैन सेवा संघ, महिला जैन सेवा संघ का योगदान बुखारिया भवन के समक्ष रखा गया है। आप देख सकते हैं सभी लोग जल सेवा में लगे हुए हैं और जल सेवा के माध्यम से यात्रा में सम्मिलित श्रद्धालुओं को शीतल पेयजल हो रहा है। मैं बात कर रहा हूँ इस संगठन के संचालक माने या संरक्षक अमित प्रिय जैन, बताएं इस सेवा का क्या है उद्देश्य? भगवान जी के सम्मान में और हमारे जैन समाज द्वारा जो आज विमानोत्सव निकाला जा रहा है आचार्य श्री विनेश्वर सागर जी के सानिध्य में, उसमें हम लोग गौरवान्वित हैं। हमें ये सेवा का मौका मिला है जैन सेवा संघ और महिला जैन सेवा संघ को कि वह इसमें अपनी सहभागिता प्रदान करें, जिसमें हम लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम लोग आज सेवा दे पा रहे हैं। इस तरह से भगवान के समक्ष कुछ पुण्य का अर्जन हम लोग कर सकते हैं, अपने पापों को थोड़ा सा दूर कर सकते हैं। ऐ अमित प्रिय जैन, श्रीमती अलका जैन वही हैं जिन्होंने आचार्य श्री विनिश्चल सागर जी की पिच्छी प्रवर्तन के समय पुरानी पिच्छी संयम उपकरण लेने का सौभाग्य प्राप्त किया है। जैन सेवा संघ और महिला जैन सेवा संघ हमेशा सदियों से समाज सेवा के क्षेत्र में पूरी तरह से तत्पर रहता है। बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी में आयोजन की झलकियों के साथ। हमारे बीच में महिला जैन संघ की जो अध्यक्ष हैं श्रीमती अलका जैन जी, उनसे भी बात करते हैं, इस सामाजिक सेवा के बारे में बताएं। जैसा कि आप सभी को विदित है, जैन सेवा संघ और महिला जैन सेवा संघ एक साथ कार्य कर रहे हैं और हर विमानोत्सव में और भी सभी समाजों के जुलूसों के अवसर पर हम सभी ये पानी, शरबत आदि का स्टॉल लगाकर जुलूसों में आए हुए लोगों का स्वागत करते हैं और इसी अवसर पर, आज विमान के अवसर पर यहाँ जल सेवा की जा रही है। और श्रीमती अलका जैन हैं और अमित प्रिय जैन अपनी पूरी टीम महिलाओं पुरुषों की टीम के साथ सेवा में लगे हुए हैं। इस तरह की सेवा और सहयोग की भूमिका और झलकियों से जुड़े रहिए ललितपुर लाइव टीवी से, बने रहिए। जैन पंचायत समिति के तत्वाधान में आचार्य श्री विनिश्चल सागर जी के सानिध्य में होने वाले वार्षिक विमान उत्सव में आज हमारे साथ हैं श्रद्धालु सवाई सिंघई हीरा लाल जी खजूरिया, जो अध्यक्ष हैं सिरोंज कमेटी के, और कोषाध्यक्ष हैं श्री अरविंद कुमार जी जैन बड़ौदा वाले। हम इनसे बात करते हैं महोत्सव के बारे में। ये बहुत हर्ष की बात है कि आप और हम सब एक साथ हैं। जब जब भगवान जैन परमात्मा की यात्रा सानंद चल रही है, साथ में मुनि संघ भी चल रहा है, हजारों की भीड़ है और बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमें जो आज आप हमारे पास आए हैं, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस वार्षिक विमान उत्सव पर समस्त जैन समाज में जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो अद्वितीय है। हम सब अपने घर के सामने से श्री जी निकलते हैं तो जो है भावनाओं से अभिभूत हो जाते हैं, अतः इस खुशी का वर्णन करना बहुत मुश्किल है। जो खुशी हमारे मन में है उसका हम जो है, जैसा कि श्रद्धालुओं का कहना है कि जब उनके दरवाजे से श्री जी निकलते हैं तो सौभाग्य है कि भगवान उनके द्वार आए हैं। जब भगवान द्वार आए हैं तो हम जितना से अधिक बहुमान करते हैं, हम उनका बहुमान करेंगे, उनका चरण वंदन करेंगे और स्वयं को पुण्यशाली जीव मानेंगे। इसी तरह आप ललितपुर के ललितपुर लाइव टीवी के माध्यम से बने रहिए, जुड़े रहिए आज के महोत्सव की झलकियों के साथ। हमारे बीच में है दिगंबर जैन पंचायत के वरिष्ठतम पदाधिकारी एवं अधिकारी, इनके बिना पत्ता नहीं हिलता ऐसा जैन समाज का कहना है, चूँकि अनुभवी हैं और सवाई सिंघई सीलचंद अनोरा श्री दाऊ कहलाते हैं। ये आज इसके अंतर्गत, आज के महोत्सव के अंतर्गत आप बताएंगे, आप छतपाल मंदिर प्रबंधक राजन थनवारा जी के साथ हैं। दाऊ बताएं आज का जो रथ है उसके बारे में। महाराज की जय। तो आज का रथ जो है हमारे दिगंबर जैन पंचायत के अंतर्गत सभी मंदिरों से
विमान जी निकलते हैं, उसी के साथ रथ भी निकलते हैं। यह रथ जो है सभी समाज की ओर से 175 किलो चांदी का बना है, जो अभी तक कहीं है भी नहीं, ये सारी समाज की देन है। हमारे यहाँ जो है रथ का बहुत बड़ा महत्व है। रथ जो है पंचकर्णक जब होते हैं तब उसी समय पंचकर्णक में ये रथ चलते हैं, या कोई फंक्शन होता है। ये रथ जो हमारा बना है सारी समाज ने 180 किलो चांदी एकत्र की है, और ये वहाँ पालीताना के पास पालीताना से बना है। अभी तक यह रथ कहीं भी इस प्रकार का सुंदर रथ चांदी का नहीं है। रथ तो अनेक हैं और बनेंगे भी, लेकिन यह रथ आज ही बनकर आया है जिस पर श्री जी विराजमान होते हैं। इसकी महिमा अलग रथ गाई है, यह शास्त्रों में भी इसकी महिमा गाई गई है। जब पंचकर्णक होते हैं तभी ये रथ चला हाथियों से चलाया जाता है, लेकिन यह रथ हमारे श्रावक लोग अपने हाथों से भगवान का रथ खींच रहे हैं, इसकी बहुत बड़ी महिमा है। जैसा कि दाऊ श्री जी का अनोरा जी का कहना है कि इस रथ की महिमा है मानव रथ। मानव यानी जो इंसान श्रद्धालु हैं वह इस रथ को खींच रहे हैं, और यह सौभाग्य हमारे लोकप्रिय जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक ने भी पाया है, और उन्होंने जैन समाज को धन्यवाद और आभार ज्ञापित किया है जिलाधिकारी SP ने और प्रशासन ने। जैसा कि जैन पंचायत और सकल जैन समाज का प्रयास है कि इस बार 180 किलो चांदी का रथ निर्मित हुआ है, जिसमें पूज्य अभय सागर जी, पूज्य सागर जी, प्रभात सागर जी का विशेष आशीर्वाद है, और सानिध्य आशीर्वाद हमारे आचार्य विनय सागर जी, जिनका पावन वर्षा योग हुआ, उनका इस रथ उत्सव में प्राप्त हुआ है। बने ये ललितपुर लाइव टीम में और भी बेहतर झलकियों के साथ। आज के इस विमान उत्सव में हमारे साथ हैं दिगंबर जैन पंचायत समिति के पूर्व अध्यक्ष, गौशाला के निर्देशक श्री ज्ञानचंद जी मलिया, जो समाज के हर कार्यक्रम का अच्छा अनुभव रखते हैं, और इनका अनुभव समाज को प्रगति और प्रेरणा देता है। हम इनसे ही जानना चाहेंगे आज इस महोत्सव में रजत रथ जो है आकर्षण का मुख्य केंद्र है, उसके बारे में हम उनसे बात करते हैं। अध्यक्ष जी बताएं इसके बारे में। आचार्य गुरुवर संश्रोमणि विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से यहाँ अभय सागर जी, प्रभात सागर जी, पूज सागर जी महाराज के यहाँ चातुर्मास हुआ, उनके प्रयास से यहाँ पर चांदी इकट्ठी होकर के इसका रजत जो बना रथ बना है वह एक अलौकिक है, और उसके जो प्रभावना हुई है वह आगे भी इसी तरह की प्रभावना बहुत होगी। मैं भगवान शांतिनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि इसके में जो हुआ है बहुत आगे और दिनों दिन तक। ये रजत रथ यात्रा एक अद्भुत अद्वितीय है, ऐसा अनेक लोगों का मत है, अनेक लोगों ने अपने विचार दिए हैं। इसी तरह इस रथ यात्रा के माध्यम से आज ललितपुर की स्मरणीय यादों में, इतिहासों में अंकित हो चुका है ये महोत्सव। आचार्य विनयचंद सागर जी का आशीर्वाद सानिध्य में प्राप्त हुआ है, तो वहीं आचार्य विद्यासागर महाराज जिनका आशीर्वाद इस ललितपुर समाज को, इस धरा को, इस मिट्टी को हमेशा बना रहता है। 1987 से लेकर अनवरत आचार्य श्री विद्यासागर जी की कृपा, उनकी निगाहें इस ललितपुर के लिए बनी हैं, जिसके अंतर्गत गौशाला, साधर्मी न्यासपंड और भी अनेक संस्थाएँ संचालित हैं जैन पंचायत के अंतर्गत। बने रहिए ललितपुर लाइव TV के साथ। आज विमान महोत्सव में आज आचार्य श्री का सानिध्य मिला है, और उस सानिध्य को पाकर पूरे ललितपुर के श्रद्धालु सौभाग्यशाली हैं, गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आचार्य विनयचंद सागर जी का पावन वर्षा योग में जो योगदान श्रद्धालुओं को मिला है, पापों का क्षय करने के लिए, पुण्यों का संचय करने के लिए, आज उसी का पुण्य प्रताप है, परिणाम स्वरूप है कि आज आचार्य श्री का सानिध्य ललितपुर के ऐतिहासिक अद्वितीय विमान महोत्सव में मिला, और विमान रथ जड़त जो आपका रजत रथ है, इस रजत रथ में आज सौभाग्य श्रद्धालुओं को मिला जहां आचार्य श्री का है। आज हमारे बीच में ललितपुर लाइव TV को उपदेश और आशीर्वाद और जनता को आशीर्वाद देने के लिए हमारे हम उनके सानिध्य में हैं, आचार्य विनयचंद सागर जी के, हम उनसे बात करते हैं, उनके उपदेश लेते हैं। दिगंबर जैन दर्शन में सम्यक दर्शन एक गुण है श्रावक का और मुनियों का, जिसमें एक प्रभावना अंग है। प्रभावना का मतलब ये होता है कि धर्म के माध्यम से जन जन को प्रभावित करके उन्हें धर्म का मार्ग का निर्देशन करना, धर्म का मार्ग बताना और धर्म कर मार्ग पे चलने की प्रेरणा देना। तो इससे मुख्य रूप से लाभ समाज को,
समाज के अलावा जैनेतर समाज को और उसके अलावा जन जन के लिए पूरे राष्ट्र के लिए संकेत जाता है कि सबको धर्मात्मा होना चाहिए, धर्ममय होना चाहिए, एक सूत्र में बंधा हुआ होना चाहिए, एकता होनी चाहिए और धर्म के माध्यम से आचरण करके अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। अर्थात सुख शांति का अनुभव कैसे होता है, इस सब का प्रदर्शन एक प्रकार से रथ महोत्सव या विमानो महोत्सव के द्वारा संदेश राष्ट्र को, समाज को और जन समूह को जाता है। सौभाग्यशाली लोग तो हैं कि जिनके द्वार से त्रिलोकी नाथ गुजर रहे हैं, निकल रहे हैं और लोगों को गौरव होना चाहिए, लेकिन गौरव का मतलब अहंकार नहीं, नम्रता समर्पण के साथ गौरव होना चाहिए कि हमारे द्वार से तीन लोक के नाथ जो मंदिर जी में विराजमान रहते हैं वह हमारे द्वार से निकल रहे हैं, तो आरती भक्ति श्रीफल भेंट आदि करके उन्हें नम्रतापूर्वक समर्पण प्रदर्शित करना चाहिए। इसलिए कि त्रिलोकीनाथ दिगंबर जैन समाज की आस्था का मुख्य केंद्र है और जिसके प्रति समर्पण है उसको उससे उच्च स्थान पर और उससे उस साधन सामग्री पर विराजमान करते हैं। ये हमारी भक्ति है दिगंबर जैन समाज की कि हमने जिनेंद्र भगवान को एक रजत रथ बनवाकर उस पर विराजमान किया। ये दिगंबर जैन समाज ललितपुर का सबसे बड़ा भक्ति का, समर्पण का, देवसास गुरु के प्रति लगाव का, श्रद्धान का फल है कि सारी समाज ने मिलकर एक विशाल रजत रथ मनाया और उस पर श्री जी को बिठा कर नगर भ्रमण करा रहे हैं। ये बहुत बहुत दिगंबर जैन समाज के लिए गौरव की बात है और उनके समर्पण की बात है। मैं मीडिया को, पत्रकारों को धर्म वृद्धि का आशीर्वाद देता हूँ और उनसे एक ही बात कहता हूँ कि इसी तरह सच्चे धर्म की सूचनाओं के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से सच्चे धर्म को लोगों तक पहुँचाएँ और उन्हें धर्म की प्रेरणा दें, यही शुभ आशीर्वाद। और उन्होंने जो काम किया चतुर्मास में प्रभावना का, प्रवचन आदि के माध्यम से जो पत्रिका और टीवी में दिखाया, उसके लिए विशेष विशेष आशीर्वाद देता हूँ। जैसा श्री आचार्य श्री ने अपने विचारों के माध्यम से, उपदेशों के माध्यम से आज जनता को उपदेश दिया और उन्होंने मीडिया को भी धन्यवाद दिया, आशीर्वाद दिया और विशेष आशीर्वाद इस बात का दिया कि आप मीडिया के लोग धर्म प्रभावना के मुख्य अंग हैं, वो अपने अंग को समझें और धर्म प्रभावना में इसी तरह बने रहें। आचार्य श्री विनित चल सागर जी का आशीर्वाद और सहयोग ललितपुर वालों को मिला, ललितपुर लाइव टीवी ने यह सौभाग्य प्राप्त किया, दैनिक सत्ता सुधार ने और समाचार पत्रों ने भी सौभाग्य प्राप्त किया कि उनकी वाणी को अंकित किया, दिखाया। इसी तरह ललितपुर लाइव टीवी को आपको अनेक विचारों से जुड़े रखेगी। ललितपुर लाइव टीवी से मनोज जैन के साथ रवि चुनगी की रिपोर्ट। ललितपुर वृषभ रथ यात्रा, रजत रथ यात्रा का सौभाग्य हमारे ललितपुर के श्रेष्ठी श्री सोमचंद जी, संजीव कुमार जी, राजीव कुमार, लकी बुकपुर परिवार को मिला है। आज जैसा कि आचार्य विनिश्चल सागर जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में प्रथम बार ललितपुर को यह सौभाग्य मिला जिसमें आचार्य विद्यासागर जी का आशीर्वाद, उनके शिष्य मुनि श्री अभय सागर, प्रभात सागर, पूज्य सागर जी की प्रेरणा, जिससे दातारों की चांदी एकत्र होने के उपरांत ये वृषभ रथ जो रजत रथ के रूप में तब्दील हुआ है, इसमें हमारा प्रथम सौभाग्य सौधर्म इंद्र के रूप में हमारे लकी परिवार को मिला है। हम उनसे बात करते हैं कि उन्हें इस सौभाग्य के प्रति क्या प्रेरणा है और क्या वो चाहते हैं। सभी के लिए शादर जय जिनेन्द्र। सकल दिगंबर जैन समाज ललितपुर के सहयोग से तैयार हुए इस रजत रथ में हम सबको, हमारे लकी परिवार को आज सौधर्म इंद्र बन के श्री जी को रथ में बिठाल कर लाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम हर्ष से एकदम तिरुपूर्ण हो गए हैं और भगवान जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारी समाज की एकता हमेशा, अखंडता ऐसी ही बनी रहे और मुनियों का जैसा कि अभी आचार्य श्री विनिश्चल सागर जी ने कहा था
कि ललितपुर जैन समाज की एकता अखंडता का सौभाग्य है, एकता का रूप, और चांदी का जो रथ है वो एकता का स्वरूप है, परिणाम स्वरूप प्रतीक है। हमारे इस जो रजत रथ है इसमें सारथी श्रेष्ठि अनेक सौभाग्य मिला है, अलंकार ज्वेलर्स वाले लालू सराफ और भी हमारे साधर्मी आप देख रहे हैं, ये सभी वह युवा हैं, वह युवा पीढ़ी है जो आज ललितपुर में धर्म प्रभावना में अपने तन को, अपने मन को, अपने धन को एकत्र करते गुरुओं के आशीर्वाद से हर संभव, हर घड़ी, हर तत्पर बनी रहती है। ललितपुर लाइव टीवी से मनोज जैन के साथ रवि चुनगी की रिपोर्ट। भगवान महावीर को स्मरण करते हुए आज के इस पावन पर्व पर जो हमारा विमान, सभी हमारे जैन बंधु निकल के अपना एक विमान निकालते हैं, भगवान जी निकलते हैं और सभी को दर्शन देते हैं, और भगवान महावीर के रास्ते पे चलते हुए हम सब लोग, हम सब भारतवासी पूरे उनके आशीष से आगे बढ़ रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा और हम सब एक हैं, और ये एकता का सूत्र भगवान महावीर के द्वारा बताए गए रास्तों पर चल के हम सब लोग को प्राप्त हुआ है। उन सबको हम याद करें, उनके बताए हुए रास्ते पर चलें। ढेर सारी शुभकामनाएं सभी बंधुओं को। वार्षिक विमानोत्सव के कार्यक्रम में जो आयोजक गणों ने हम लोगों को बुलाया है, सबसे पहले तो मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, फिर हम अपने सभी जनपद वासियों का आभार व्यक्त करता हूँ कि अभी हाल के में इतनी अच्छी सांप्रदायिक सद्भाव और कौमी एकता की मिसाल उन्होंने कायम की, उसके लिए सभी जनपद वासियों को हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और महावीर भगवान का जन्म जो है वो समानता के लिए, भाईचारे के लिए, कौमी एकता के लिए, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए ही ऊपर वाले ने यहाँ अवतरित किया था। आज के दिन में जिस तरीके का ये कार्यक्रम विमान उत्सव का कार्यक्रम मनाया जाता है और प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, और इसमें भी जो विमान उत्सव का कार्यक्रम है वो कौमी एकता और सांप्रदायिक सद्भाव की एक मिसाल है, और हमें लगती है कि इसी मिसाल को ही इस पूरे जनपद ने कायम किया है, और जो कि प्रदेश में नहीं भारतवर्ष में एक मिसाल है कि जनपद ललितपुर का जो सांप्रदायिक सद्भाव और कौमी एकता है वो अटूट और मिसाल के रूप में है। और मैं इस शुभ दिन पर भगवान महावीर के चरणों में अपना वंदन करता हूँ और जनपद वासियों को पुनः आभार व्यक्त करता हूँ और सभी को शुभकामनाएं देता हूँ कि इसी तरीके से अपने जनपद को गौरवान्वित करते रहें। धन्यवाद। उत्सव में जहाँ पर रजत रथ यात्रा मुख्य आकर्षण रही, तो वहीं रात्रिकालीन छेतपाल मंदिर जी में भव्य गरबा डांडिया आयोजन हुआ महाआरती के संग, और इस आयोजन में आप देख सकते हैं चित्रमय झलकियों के द्वारा बहुत ही मनमोहक भव्यता के साथ गरबा डांडिया महिलाओं ने, बालिकाओं ने इस छेतपाल के प्रांगण में खेला और भगवान श्री जी की महाआरती उतारी। आयोजन की भव्यता देखते बनती थी, आप देख सकते हैं चित्रमय झलकियों के तहत। Thank you.
Thank you.